77वें सालगिरह के मौके पर लगातार 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। आज झंडोत्तोलन से पहले पीएम मोदी ने राजघाट जाकर बापू को नमन किया, इसके बाद सलामी ली। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। अपने 90 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने अपने 10 साल के पूरे कार्यकाल का हिसाब किताब देने के साथ ही आने वाले सालों का पूरा विजन भी देश के सामने लाल किले से रखा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसे तीन सबसे बड़ी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों से आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना है, इसके लिए लड़ते रहेंगे। वहीं परिवारवाद ने देश को बर्बाद किया है, परिवारवाद ने देश के गरीबों का हक छीना है, परिवारवादी पार्टियों ने से देश को बड़ा नुकसान हुआ है। इधर तुष्टीकरण को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र के चरित्र पर ये दाग लगा है। तस्वीरें आप देखिए, ये 6 तस्वीरें आज की स्वतंत्रता दिवस समारोह की, आज की 6 तस्वीरें। राजघाट पर बापू को नमन किया पीएम मोदी ने, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई, 90 मिनट का संबोधन देश के नाम पीएम मोदी ने दिया। जवानों ने पीएम मोदी को और देश को सलामी दी। लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया, स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की पीएम मोदी ने। ये तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरों में आज का समारोह। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं, देश मणिपुर के लोगों के साथ है, देश के पास आज एक ऐसी सरकार है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी देश, मेरी सरकार, मेरे देशवासियों का मन एक बात से जुड़ा हुआ है, हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा।